हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कम्प्लीटली कि इकलन स्कॉलरशिप जो भी स्टूडेंट रेन्यूअल करने वाले, ध्यान से सुनिएगा, जो स्टूडेंट पहले स्कॉलरशिप भर चुके हैं उन सभी के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है कि आप लोग अभी यहाँ पर अपना स्कॉलरशिप का डेट आ चुका है उसके बावजूद भी आप यहाँ पर रेन्यूअल क्यों नहीं कर पा रहे। ठीक है, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रेन्यूअल का ऑप्शन तो आपको शो कर रहा है और यहाँ पर आप लोग स्कॉलरशिप क्यों नहीं भर पा रहे, साथ ही साथ क्या रीजन है जिसके कारण आप लोग यहां पर रिन्यूअल भी नहीं कर पा रहे, क्या डेट जो 20 फरवरी आपका लास्ट किया गया है क्या ये डेट को भी एक्सटेंड कर दिया जा सकता है, क्या चांसेस है। साथ ही साथ हम कंप्लीटली इस वीडियो में पूरी तरह से आपको जानकारी देंगे ताकि आप सभी लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ पर मैं फ्रेश कैंडिडेट के लिए, यानी कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर फ्रेश स्कॉलरशिप भरेंगे दोस्तों, हम उस सब के लिए यहाँ पर पार्ट वन पार्ट टू दो वीडियो को बना चुके हैं। पार्ट वन में आप बेसिकली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताए हैं और पार्ट टू में दोस्तों हम यहाँ पर कम्प्लीटली सबमिट करके भी आपको दिखाएं कि स्कॉलरशिप फॉर्म को कम्प्लीटली भर कर कैसे सबमिट करोगे, यानी कि आपको स्कॉलरशिप मिलने से कोई नहीं रोक पाए, साथ ही साथ कोई गलती ना हो जिसके कारण आपका रिजेक्शन हो, हम ये दोनों वीडियो में कवर किए। ये दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले रेन्यूअल वाले कैंडिडेट का। बेसिकली दोस्तों मैं आपको बता दूं, रेन्यूअल सिर्फ वही लोग को करना है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आपका आईटीआई का 2 साल का कोर्स था दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, आईटीआई मान लीजिए आप पहले एडमिशन लिए थे, क्लियर है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए सोच लेते हैं, 2022 में आप आईटीआई में एडमिशन लिए थे तो टोटल आपका सेशन क्या हो गया 2022 से 24, यानी कि आईटीआई जो होता है दोस्तों वो आपका कम्प्लीटली 2 ईयर का होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे 2022 से 23 में आप लोगों ने यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया था। ठीक है, तो अब जो आपको 2023 और 24 में आपको फॉर्म भरना है स्कॉलरशिप का दोस्तों, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिन्यूअल करना होगा। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर फ्रेश एप्लीकेशन नहीं भरना होगा और ये रूल आपका सब में लागू होता है। जैसे कि आप मान लीजिए यूजी में आप एडमिशन लिए थे 2022 में, ठीक है, 2022 में आपने एडमिशन करवाया था, ठीक है, तो 2022 में तो आप फ्रेश यहां पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरे और स्कॉलरशिप अपना भर लिए। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर का और फिफ्थ सेमेस्टर का और उसके बाद हम बात करते हैं सेवन्थ सेमेस्टर का, तो बेसिकली यहां पर थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ ये तीनों साल आपको दोस्तों यहां पर रिन्यूअल करना होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपका एक बार करना होता है दोस्तों, फ्रेश रजिस्ट्रेशन एक बार करना होता है, उसके बाद आपका जितना साल का कोर्स है सब में आपका सिर्फ और सिर्फ रिन्यूअल होता है दोस्तों। रिन्यूअल में आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको बोनाफाइड और इनकम सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करना पड़ता है और प्रीवियस ईयर का मार्कशीट। ठीक है, तो रेन्यूअल जब स्टार्ट हो जाएगा हम इस पर कंप्लीट वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता चल गया होगा कि रेन्यूअल किन को करना है और फ्रेश एप्लीकेशन किसको भरना है। अब हम यहां पर आपको बता रहे हैं, देखिए जैसे आप लॉग इन करोगे दोस्तों वहां पर भी आपको यहां पर शो करेगा कि आपको सिर्फ रेन्यूअल ही करना है, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो हम वीडियो में कंप्लीटली आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, साथ ही साथ कोई दिक्कत भी ना हो, वो भी मैं यहां पर चाहता हूं कि आपको कोई दूसरा और भी वीडियो ना देखना पड़े, हम कंप्लीटली आपको जानकारी देते हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कोई भी चीज आपका छूटेगा नहीं। दोस्तों देखिए 2022-23 में, एकेडमिक ईयर 2022-23 में बात करें तो यहां पर जो पोस्ट मैट्रिक एप्लीकेशन इन्होंने भरा था वो आप यहां पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक विथ इन स्टेट फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 2022-23। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने यहां पर 22-23 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया था, जिनका यहां पर प्रिंट भी ले सकते हैं पिछले साल का एप्लीकेशन फॉर्म का। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों 23-24 का, आपको पता होगा अभी स्कॉलरशिप का एकेडमिक ईयर 23-24 चल रहा है और यहां पर आप देखोगे तो ये जो पोस्ट मैट्रिक विद इन द स्टेट रिन्यूअल एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 2023-24 है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा कि ये कैंडिडेट का फ्रेश एप्लीकेशन दिया जा रहा है, बट यहां पर आप देखोगे सेकंड ईयर में सेम यहां पर रिन्यूअल हो रहा है। ठीक है, बेसिकली मैं बता देता हूं स्टूडेंट, ये स्टूडेंट आईटीआई का था। ठीक है, आईटीआई में एडमिशन लिए थे, बेसिकली इनका आईटीआई का 2 साल का कोर्स था, इलेक्ट्रीशियन में एडमिशन लिए थे और यहां पर इनका आप देखिए 22 में अपना जो है ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर चुके थे और इनको स्कॉलरशिप भी मिल गया था। ठीक है, बट अगर हम 23 में बात करें तो ऑटोमेटिक इसके सिस्टम के तरफ से ही सिर्फ और सिर्फ रिन्यूअल करने का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, बट अगर आप यहां पर दोस्तों अभी आप रिन्यूअल पे क्लिक करोगे अप्लाई ऑनलाइन पे तो आपको बेसिकली इस तरह का एरर शो कर रहा है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहां पर आपका लिखा हुआ योर इंस्टीट्यूशन कॉलेज हैज नॉट बीन रिन्यूड, प्लीज कॉन्टैक्ट इंस्टीट्यूट और कॉलेज। ठीक है, और यहां पर आपको सिर्फ इतना ही मैसेज आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं। दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप हर साल यहाँ पर अपना इकलन स्कॉलरशिप भरते हो चाहे रिन्यूअल करते हो, ठीक है, तो उसी तरह से कोई न्यू कॉलेज होता है, देखिए न्यू कॉलेज जो होता है, कॉलेज तो बहुत पुराना होता है तो उनका रजिस्ट्रेशन इकलन के साथ बहुत पहले से हो चुका है। ठीक है, बट ईयर हर साल उनको जैसे जैसे जो एकेडमिक ईयर आता है दोस्तों हर साल उनको यहाँ पर अपना इंस्पेक्शन करवाना होता है, यानी कि जाँच करवाना होता है डिस्ट्रिक्ट इकल्याण ऑफिसर के तरफ से। ठीक है, जो इकल्याण ऑफिसर यानी कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर होते हैं वो बेसिकली विजिट करते हैं, पेपर वर्क करते हैं
करते हैं, उसके बाद ही यहाँ पर कॉलेज को अप्रूवल दिया जाता है, ठीक है। जब तक कॉलेज को अप्रूव्ड नहीं किया जाएगा दोस्तों, तब तक आपको यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये बेसिक सी बात है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जब तक आपका जो अप्रूव्ड नहीं हो जाता है, ठीक है, ये कॉलेज वाले अप्लाई करते हैं, उसके ऑनलाइन इन लोग को भी फॉर्म भरना पड़ता है, अपना फीस स्ट्रक्चर चढ़ाना पड़ता है ताकि स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल पाए, बोनाफाइड स्ट्रक्चर चढ़ाना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर इनको भी अप्रूवल मिलता है दोस्तों, ठीक है। अप्रूवल किया जाता है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर की तरफ से, ठीक है। अप्रूव जब तक नहीं होता है तब तक इनका लिस्ट में नाम नहीं आता है, जब आप फॉर्म भरोगे दोस्तों, ठीक है, उसके बाद वहाँ पर लिस्ट आपका आता है कौन से कॉलेज सेलेक्ट करिए, तो लिस्ट में इनका नाम नहीं आता है, चाहे आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हो चाहे आप रिन्यूअल कर रहे हो, ठीक है। अगर आप फ्रेश भी कर रहे हो कोई कॉलेज में, जब तक उनको अप्रूवल नहीं मिला है तब तक भी आपका लिस्ट में शो नहीं करेगा, और रिन्यूअल में आप जब आओगे तो वहां पर आपको मैसेज शो करेगा कि रिन्यूअल नहीं किया गया था, ठीक है। तो उसी तरह से होता है, एक बार कॉलेज का न्यू रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके बाद हर साल, ठीक है, यहां पर आपका रिन्यूअल किया जाता है, कॉलेज को रिन्यूअल किया जाता है, हर साल देखोगे तो रिन्यूअल किया जाता है, ठीक है। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है। अभी जो आपको मैसेज शो कर रहा है यहां पर आप देख सकते हैं, वो यही मैसेज शो कर रहा है कि आपका कॉलेज को यहाँ पर जो है वो अप्रूव नहीं किया गया, योर इंस्टीट्यूट और या फिर कॉलेज हैज़ बिन नॉट रिन्यूड, आपका रिन्यूड नहीं किया गया, यानी कि अप्रूव्ड नहीं किया गया 23-24 सेशन के लिए, ठीक है। 23-24 के सेशन के लिए यहाँ पर रिन्यू नहीं किया गया। जैसे ही कॉलेज अप्रूव करा दिया जाएगा वैसे ही आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिन्यू कर सकते हो, यानी कि आप अपना रिन्यूअल भी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक सा बात है, आप समझ गए होंगे। आप अगर फ्रेश अप्लाई भी कर रहे हो दोस्तों या फिर आप रिन्यूअल भी कर रहे हो, जब तक कॉलेज को अप्रूवल नहीं मिलता डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर की तरफ से, तब तक आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हो कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म इकलैंड के लिए, ठीक है। क्योंकि जब तक कॉलेज सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक आपका फॉर्म सेलेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो सीधी से बात यही है, अभी आपको यहां पर सिंपली वेट करना है, ठीक है, वेट करना है, क्लियर है। अब हम यहां पर आपको एक वीडियो अलग से भी बना देंगे कि आपका कॉलेज अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, आपको कॉलेज को अप्रूवल मिला है कि नहीं, इसके लिए कंप्लीट वीडियो बना देंगे। अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो नीचे आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको कंप्लीट वो वीडियो दे दूंगा, ठीक है। बाकी हम जैसे टाइम मिलेगा हम आपको वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका कॉलेज कहां पे है, कौन से ब्लॉक के अंदर है, साथ ही साथ कॉलेज को रिन्यू किया गया है कि नहीं करंट सेशन के लिए, वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देंगे। इनके वेबसाइट पे ही भी अपडेट दिया जाता है। अब यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों, अभी तक आपका अप्रूवल नहीं किया गया है तो अभी क्या आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता होगा एप्लीकेशन फॉर्म आपका 20 जनवरी से स्टार्ट हो चुका था और अभी आपका 20 फरवरी लास्ट डेट है, ठीक है। सभी को पता होगा 20 फरवरी स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं, उसके बाद आपका डेट खत्म हो गया, लास्ट डेट है, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको, 20 फरवरी लास्ट डेट इनका डेडलाइन रखा गया था, 20 फरवरी 2024, बट अभी तक देखोगे तो 100% में मेरे ख्याल से, मैं कॉलेज जैसा देख रहा हूँ यहाँ पर 80% कॉलेजेस को अप्रूव ही नहीं किया गया, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज हैं जो उनको अप्रूवल मिला ही नहीं है, तो स्कॉलरशिप वाजिब सी बात है स्टूडेंट भर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में रीजन है, नॉट नाइदर रांची में या फिर आपका साहिबगंज हो गया या फिर आपका कोडरमा हो गया, धनबाद हो गया, गिरिडीह हो गया, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, सब में यही प्रॉब्लम है। 100% अप्रूवल सभी कॉलेजेस को नहीं किया गया है अपने डिस्ट्रिक्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर की तरफ से, ठीक है। तो बेसिक सा बात है, आपको यहां पर घबराना नहीं है, 20 फरवरी आपका डेट रखा गया है तो मेरे ख्याल से, ठीक है, अनुमान मैं बता रहा हूं 100% डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है कि यहां पर कॉलेज अप्रूवल हुआ ही नहीं है तो फिर डेट को बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना कम टाइम में पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन या फिर रिन्यूअल नहीं कर सकते हैं सारे कैंडिडेट, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलता हूं, बिल्कुल आप घबराइए नहीं, बिल्कुल आप वेट करिए, आप जैसे ही यहां पर कॉलेज को रिन्यू किया जाएगा हम एक आपको कंप्लीटली वीडियो रिन्यूअल कैसे करना है, रिन्यूअल कैसे करना है, इस पर हम बना देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं आपको कंप्लीटली वीडियो देता रहूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं चैनल पर नए तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर ले ताकि रेगुलर आपको अपडेट मिलते रहे, साथ ही साथ स्कॉलरशिप जब तक आपको नहीं मिले तब तक मैं आपका हेल्प करता रहूं, ठीक है। मैं यही चाहता हूं कि सारे स्टूडेंट को 100% स्कॉलरशिप मिल जाए ताकि उनको कोई परेशानी ना हो पढ़ने में और कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं एक चीज और, वो आप समझ लीजिए, अभी आपके पास फुली टाइम है तो आपके पास जो इनकम सर्टिफिकेट नहीं है या फिर कास्ट नहीं है या फिर कोई सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल नहीं है, इसके लिए कंप्लीट वीडियो हम बना दिए कौन कौन सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। बाकी अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो ये जितना जल्दी हो सके आप बना लीजिए, क्योंकि देखिए टाइम आपको मिलेगा, जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना जल्दी आपको स्कॉलरशिप आपके खाते तक दिया जाएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा। जितना आप लेट करोगे अप्रूवल में उतना लेट होगा, आपको पता होगा बहुत अप्रूवल में प्रोसेस होता है, पहले कॉलेज की तरफ से अप्रूवल होता है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर की तरफ से होता है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी करता है, उसके बाद आपका फाइनल अप्रूवल होता है। तो बेसिक सा बात है, यहाँ पर टोटल आपको 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ये प्रोसेस काफ़ी लेट से होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट फॉरवर्ड, जैसे ही आपका कॉलेज खुल जाता है आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा तो आप तुरंत ही अप्लाई करके अपना स्कॉलरशिप ले लोगा, ठीक है, और बाकी आपको दिक्कत
दिक्कत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लेट करोगे तो फिर आपका फंड भी बहुत बार खत्म हो जाता है, तो आपको फिर लाइन पे लगना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जो अप्लाई करते हैं फर्स्ट में उनका अप्रूवल पहले होता है, क्योंकि जो फर्स्ट में अप्लाई करेंगे उनको पहले यहाँ पर स्कॉलरशिप दिया जाता है। बट यहाँ पर यह है कि 100% सभी को स्कॉलरशिप दिया जाता है, ठीक है, बट पहले किसको मिलेगा, तो जो पहले अप्लाई करेंगे, क्योंकि अप्रूवल प्रोसेस है, सिस्टम ऑटोमेटिक यहाँ पर अप्रूव करता है, तो जो पहले किए हैं उसको पहले मिलेगा, उसके बाद जो किए उसका अप्रूवल होगा। तो जैसे आपको अप्रूवल पहले होगा, दैट मीन्स आपको पैसा पहले मिलेगा। तो सीधी सी बात है, मैं आपको वीडियो में कम्प्लीटली बता दिया, बाकी जो कॉलेज अप्रूवल हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम अलग वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ रिन्यूअल का जैसे स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, हम आपको एक कंप्लीट वीडियो डेडिकेटेड दे देंगे, ताकि आप लोग देख लो, उसके बाद ही यहाँ पर अप्लाई करना। फ्रेश कैंडिडेट के लिए वीडियो कम्प्लीटली हम बना चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, तभी आप अप्लाई करिएगा, ताकि आपका कोई गलती ना हो। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ताकि रेगुलर और भी अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।